नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो व्याख्यान है वो व्याख्यान सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों के संबंध में है। और एक ये महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही इस पर चर्चा करने के लिए हमें विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों की बात करेंगे और साथ ही इस बात की तफसील से चर्चा करेंगे कि जिस संघीय ढांचे की कल्पना करके भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की गई थी कि क्या वो सुचारू रूप से काम कर रहा है और वो किस प्रकार से भारत को बेनिफिटेड कर रहा है। सबसे पहले बात आती है कि हम बात करते हैं कि भारत जो है उस भारत में जो विधायी प्रक्रिया है या शासन के हमने तीन स्तर माने हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और साथ में स्थानीय स्तर। केंद्रीय स्तर पर संसद जो है वह लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से विधायी प्रक्रिया पूरी करती है, साथ ही राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल है वो विधायी प्रक्रिया पूरी करते हैं। तीसरे स्तर पर विधायी प्रक्रिया नहीं होती है लेकिन उनको कुछ प्रकार के अधिकार दिए गए हैं जिनमें प्रशासनिक और साथ में वित्तीय अधिकार उनमें शामिल है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि जिस संघीय व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उस संघीय व्यवस्था के अपने कुछ लक्षण हैं, कुछ गुण हैं और इन्हीं कारण से भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें शक्ति विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन से तात्पर्य है कि शासन के विभिन्न स्तरों के मध्य विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय जो विषय हैं उनका बंटवारा या उनकी अधिकारिता की जो सीमाएं हैं उन अधिकारिता की उन सीमाओं को स्पष्ट रूप से उनकी व्याख्या करना और उनको सीमांकित करना। भारत चूंकि संघात्मक शासन का देश है और हमने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है, इस संघात्मक शासन प्रणाली के अपने लक्षण हैं जिसमें सबसे पहले यह है कि दोहरी शासन व्यवस्था। संघ जो है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बनता है, इसका मतलब है कि दो प्रकार की शासनिक, प्रशासनिक या शासनिक व्यवस्था होती है। एक है जो सब लोगों से मिलकर के बनती है, इसको केंद्रीय या यूनियन कहा जाए, इसको फेडरल सिस्टम कहा जाए तो फेडरल है। दूसरा है जो जिन इकाइयों से मिलकर के बनती है वो इकाइयां प्रांतीय सरकारें कहलाती है, इकाई सरकारें कहलाती है, राज्य सरकारें कहलाती है। तो इस प्रकार से जहां संघात्मक शासन व्यवस्था होगी वहां पर एक से अधिक शासन के स्तर होंगे। दूसरा यह है कि स्पष्ट रूप से विषय और शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि संघ और इकाइयों के मध्य किसी प्रकार का गतिरोध नहीं हो, और गतिरोध होगा तो संघात्मक व्यवस्था चल नहीं पाएगी, इसलिए उनके मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। तीसरा यह है कि लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए कि संघ और इकाइयों के मध्य विषयों का इस प्रकार से बंटवारा हो, उसका एक वैधानिक प्रमाण हो, संविधान में इसका प्रावधान हो, व्यवस्था हो कि तब जब डिस्प्यूट हो, जब किसी प्रकार का विवाद हो तो उसकी सहायता से उन विवादों का निर्धारण या निराकरण किया जा सके, इसलिए एक लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए। फिर है कि संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो इकाई है वो संविधान के प्रावधानों को मान रही है और जो केंद्र है वो संविधान की इकाइयों को नहीं, प्रावधानों को नहीं मान रहा है। तो केंद्र हो या राज्य हो, व्यक्ति हो या पदाधिकारी हो, सभी व्यक्तियों के लिए संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए कि जो विधि, जो संविधान, जो कानून जो कहता है वो अंतिम सत्य है, इस बात को मान करके शासन को संचालित किया जाता है। और संविधान की रक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की जाती है ताकि जब संविधान किसी बात में कमजोर पड़े तो उसकी उचित व्याख्या करने के लिए हमारे पास में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, वह न कार्यपालिका के अधीन आती हो, न वो प्रशासनिक अन्य इकाइयों के अधीन आती हो, न वो विधायिका के अधीन आती हो, वो अपने आप में स्वतंत्र है कि विधायिका जब गलती करे तो उसके लिए भी वो कहे कि साहब विधायिका ने गलती की है, और कार्यपालिका गलती करे तो कार्यपालिका को भी कहे कार्यपालिका ने गलती की है। तो इसलिए
कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका का संघीय शासन वाले देश में होना अति आवश्यक है, उसके प्रमुख अंगों में माना जाता है। फिर एक और बात महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर संघात्मक देश है तो इकाइयों का भी अपना एक रोल होता है, अपना एक भूमिका होती है। और जब संविधान संशोधन की बात है तो इकाइयों से भी पूछा जाए, ऐसे नहीं कि केंद्र अपने मुताबिक या अपने इच्छा अनुसार या अपनी सुविधा के अनुसार वह संविधान में संशोधन करें और इकाइयों को निर्बल बनाएं या उनकी भूमिका को सीमित करें। तो वो सीमित नहीं कर पाए, इसके लिए है कि जब संविधान में संशोधन की बात आए तो इसके लिए आवश्यक है कि संशोधन जो है उसमें राज्यों की भूमिका भी होनी चाहिए। फिर यह है कि राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, केंद्र उसमें समान दर्जा उसको देवे और किसी छोटे राज्य के साथ बड़े राज्य की तुलना में सौतेला व्यवहार न करें। तो ऐसी परिस्थिति में होना चाहिए कि उस संघात्मक जो इकाई है या जो परिवार है उस परिवार में सभी की भूमिका समान हो, सबकी भूमिका बराबर हो, राज्यों को समान भूमिका मिले। इस प्रकार का प्रावधान अनेक देशों में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और कई अन्य देशों में है जहां पर सीनेट के जो लोग चुन के आते हैं वो एक समान प्रतिनिधित्व के अनुसार चुन के आते हैं। फिर है दोहरी नागरिकता, ये हमने नहीं अपनाई है, और राज्य के अपने संविधान और झंडे ये भी हमने नहीं अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जो संघात्मक मॉडल है, जो फेडरल सिस्टम है, हमने उसको नहीं अपनाया। उसके लक्षण जरूर लिए हैं लेकिन हमने उसको अपनाया नहीं है, बल्कि हमने कनाडा के मॉडल को अपनाया है जिसमें यह है कि केंद्र मजबूत हो और राज्य उसकी अपेक्षा कम मजबूत हो, निर्बल तो नहीं कहूंगा मैं लेकिन राज्य उससे कम मजबूत हो। अमेरिका में क्या है कि केंद्र जो है अब वो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब बना था तब उसकी अलग परिस्थिति थी, अब अलग परिस्थिति है कि केंद्र और राज्यों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार राज्यों ने अपनी सत्ता केंद्र को दी और केंद्र जो है वो राज्यों के मुकाबले मजबूत नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने अब सुधार करके अपने केंद्र को मजबूत किया है और साथ में जो उसने फेडरल सिस्टम का या जो फेडरल का जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना रखा है उसमें केवल फेडरल या यूनियन के बारे में ही प्रावधान है, राज्यों के अपने कोई प्रावधान नहीं है। राज्यों के प्रावधान अपने अपने संविधान और अपने अपने हिसाब से। हमने अपनाया कि हमारा जो संविधान है वो एक ही होगा, चाहे राज्य अपनाए चाहे संघ अपनाए, और उन सब में उन सबका वर्णन होगा, चाहे राज्य का वर्णन होगा और संघ का भी वर्णन होगा। तो इस भांति हमने कनाडा मॉडल को अपना करके केंद्र को मजबूत बनाया है और राज्यों को उसके अपेक्षा में कम मजबूत बनाया है। इसलिए हमारे यहाँ पर जो संघात्मक शासन प्रणाली है वो पूरी तरह से संघात्मक न होकर के बल्कि यूनियन स्टाइल की या परिसंघात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ पर पाई जाती है। जब संघात्मक शासन प्रणाली है तो संघ और राज्यों के बीच में अपने क्षेत्र है और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि संघ और राज्यों के बीच में उनके उनकी शक्तियों का बंटवारा किया जाए और इसलिए बंटवारा करने के लिए शक्ति पृथक्करण के क्षेत्रों की कल्पना की गई कि शक्ति पृथक्करण आखिर किन किन क्षेत्रों में किया जाए, कि केंद्र और राज्यों के जो अलग अलग क्षेत्र वो कौन से होंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है कि विधायी संबंध, कि सबसे पहले बात तो आती है कि विधायी संबंधों में या विधायी जो विषय है उन विषयों का बंटवारा किया जाए। दूसरा यह है कि चूंकि केंद्र और राज्यों को अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है और वित्त प्रशासन का रक्त होता है और बिना रक्त के कोई भी जीवित नहीं रहता। अगर हम राज्य को एक जीव रूपी संरचना माने तो स्वाभाविक रूप से है कि राज्य को चलाने के लिए रक्त रूपी वित्त या वित्त रूपी रक्त का हमें कहते हैं सहारा लेना ही होगा। तो वित्तीय संबंधों का बंटवारा किया जाना चाहिए, साथ ही प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा किया जाना चाहिए कि केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न प्रकार जो गतिविधियां हैं आखिर वो करने तो एक ही प्रकार के नागरिकों के लिए। अगर हम ये कहें कि साहब संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क जो स्टेट है उसके नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं वो कैलिफोर्निया के नागरिकों से अलग हो सकती है, लेकिन जब वाशिंगटन डीसी या जब फेडरल सिस्टम देखेगा तो दोनों को एक नज़र से देखेगा। तो
तो इसलिए उनके मध्य प्रशासनिक जो प्रबंध है, जो संबंध है, उनको बेहतर कैसे बनाया जा सके, इसके लिए भी प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की जानी चाहिए। और साथ ही कि अंतर्राज्य परिषद के एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो संबंध है उनका भी बंटवारा होना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार से केंद्र राज्य संबंधों की जब चर्चा की जाती है तो विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, प्रशासनिक संबंधों की चिंता या चर्चा की जाती है। अब हम ये बात करते हैं कि साहब जो विधायी संबंध है वो भारत में किस प्रकार से है और भारत में विधायी संबंधों के लिए क्या कहा गया है। तो हमने कहा कि भारत में जब संघात्मक शासन प्रणाली है तो इसका तात्पर्य यह है कि संघ अपने लिए विधि कानून और व्यवस्थाएं अपने उनकी अलग होगी और राज्य जो है उनकी विधि कानून और प्रशासनिक व्यवस्था उनकी अलग होगी। इसका मतलब है कि दोनों के बीच में शक्ति विभाजन पाया जाता है और इसी कारण से भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 में ये कहा गया है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि बना सकेगी। इसका मतलब है कि संसद की जो अधिकारिता है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र पे, वो किसी भी राज्य के अधीन आता हो उससे कोई तात्पर्य नहीं है, वो विशेष नहीं बन जाता इसके लिए। तो भारत की जो संसद है वो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र के लिए, उपमहाद्वीप के लिए जिसमें भारत राज्य शामिल है उसके लिए विधि बना सकेगी। इसी प्रकार से जो विधान मंडल है वो अपने निश्चित या सीमित क्षेत्र में जो एक राज्य के लिए परिभाषित किया गया है तो राज्य विधान मंडल उसमें अपने अधिकारिता का उपयोग करेगा और विधि और कानून का निर्माण करेगा। तो आर्टिकल 245 जो है वो बताता है कि विधि निर्माण की जो अधिकारिता है वो कहां तक होगी, संसद की पूरे भारत में और राज्य की अपने अपने क्षेत्रों में। उसके बाद आर्टिकल 246 में संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन को मौलिक रूप दिया गया है और इसके लिए सातवीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है और इस सूची में तीन सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। सेंट्रलिस्ट तात्पर्य है कि वो जहां पर संसद की अधिकारिता है। संघ सूची में 97 विषय शामिल किए गए थे प्रारंभ में संविधान के समय और अब वर्तमान में ये बढ़कर के 100 हो गए, लेकिन इनका क्रमांक 97 ही है, इनका क्रमांक आज भी नहीं बदला है। दूसरा है राज्य सूची में 66 विषय उस समय रखे गए थे और वर्तमान में 62 विषय हैं, शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु एवं पक्षी, ये जो चार विषय हैं इन विषयों को क्योंकि भारत में एक रूपता लाने के लिए इन विषयों को संवर्ती सूची में परिवर्तित कर दिया गया है, शामिल कर दिया गया है, लेकिन इनका क्रमांक अभी भी राज्य सूची में ही बोलता है। तीसरे प्रकार की जो बंटवारा है वो संवर्ती सूची का है और इसमें तत्कालीन परिस्थितियों में 47 विषय रखे गए थे और वर्तमान में ये बढ़ करके 52 हो गए हैं। तो चार विषय जो राज्य सूची से लिए गए हैं और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण का विषय नया जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 62 विषय और संवर्धित सूची में 52 विषय रखे गए हैं और राज्य संघ सूची में जो विधि निर्माण है उस संसद की अधिकारिता है, राज्य सूची पर संबंधित राज्य अपने क्षेत्र के लिए विधि निर्माण का कार्य करते हैं और संवर्धित सूची जो है उस पर दोनों मिलकर के, संघ और राज्य दोनों मिलकर के विधि निर्माण का काम करते हैं। अब बात आती है कि साहब जो संघ सूची है, संघ सूची से मतलब है हमारी यूनियन लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट और इसे तात्पर्य है कि ये संपूर्ण भारत के लिए विभिन्न जो विषय हैं जिन विषयों से ऐसा लगता है कि भारत पर अधिकारिता के समय या संसद द्वारा जो विधि बनाए ये इसके लिए आवश्यक विषय है जिन पर वो संपूर्ण भारत के लिए एक जैसी विधि का निर्माण करे, तो ऐसे विषयों को संघ सूची में रखे गए हैं। सूची के प्रारंभ में 97 विषय थे जिनमें देश की रक्षा, विदेशी संबंध, युद्ध और संधि, परमाणु ऊर्जा, रेल, वायुमार्ग, समुद्री जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, बेहतर ब्रॉडकास्टिंग जिसको हम DD1 DD2 उस प्रकार से जो कहते हैं आजकल, विदेशी व्यापार,
नागरिकता, जनगणना, मुद्रा, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, बीमा, विनिमय पत्र, चेक, बांट माप, चलचित्रों को मंजूरी, कर से आय से भिन्न आय पर टैक्स जिसको हम डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, सीमा शुल्क उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं, ये सारे के सारे जो विषय हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पर भारतीय क्षेत्र के लिए एक रूपता होनी चाहिए और ये केंद्र के अधीन होने चाहिए, ताकि विभिन्न राज्यों के तहत विभिन्न प्रकार की व्यवस्था नहीं। जैसे कहा जाए कि साहब हम इसकी बात करते हैं, सामान्य रूप से बांट व माप की बात करते हैं, तो आप जानते हो कि बांट माप के लिए एक संस्था है और वो संस्था ये तय करती है कि स्टैंडर्डाइज्ड जो बांट माप का कौन से होंगे, तो वो सारे भारत के लिए एक ही होंगे। क्योंकि राजस्थान के ही अनेक हिस्सों में जो मण शब्द जो है, वो कच्चा मण कहीं पर होता है तो 20 किलो का होता है, पक्का मण 40 किलो का होता है, तो एक प्रदेश में एक ही कहते कि जो माप तोल की जो मापक है वो अलग अलग मान रखते हैं, मूल्य रखते हैं, तो ऐसा नहीं हो तो सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था हो, इसके लिए संघ सूची में इन विषयों को जोड़ा गया है और इन विषयों पर केवल और केवल संसदीय कानून बना सकती है, वही परिवर्तन और संशोधन कर सकती है। फिर है राज्य सूची, तो राज्य सूची में स्थानीय महत्व के 66 विषय शामिल थे जिनमें लोक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, औषधालय, मादक शराब का उत्पादन, कब्जा, परिवहन, क्रय विक्रय, कृषि, सिंचाई, ये ऐसे विषय थे जिनसे सामान्य जनता सीधे जुड़ी होती है और इन सामान्य से जुड़ी जुड़ी हुई जो चीजें हैं उसके लिए जो विधि बनाने का अधिकार है वो संबंधित राज्यों की सरकारों को या विधानमंडल को दिया गया है। तो संबंधित राज्य या विधानमंडल जो है वो मिलकर अपन भी विधि बनाते हैं। वर्तमान में हमने कहा कि इसमें 62 विषय रह गए हैं राज्य सूची में, 4 विषय जिनको शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु और पक्षी, ये संबंधित सूची को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और प्रत्येक जो विधानमंडल है उस पर अपना कानून विधि बनाता है। इसीलिए अगर जैसे मान लीजिए कि मूल निवास की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए मूल निवास है जिसकी अलग अलग परिभाषा है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए गए कि शिक्षा की बात करें तो प्रत्येक राज्य में अपने उसकी व्यवस्था है, वो किस प्रकार के शिक्षक का माध्यम को रखना चाहता है, कौन सी योग्यताओं के लिए वो विभिन्न प्रकार के शिक्षा पदों की भर्ती करता है या स्कूलों की क्या उनके मापदंड है, क्या उनका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, सब अलग अलग होता है। ये विविधता इसीलिए है कि राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति को हिंदी माध्यम से अधिक सुविधा प्राप्त होती है, तमिल में रहने वाले व्यक्ति को तमिल में अधिक सुविधा प्राप्त होती है, गुजरात में रहने वाले को गुजराती अधिक सूट करती है और मणिपुर में रहने वाले को मणिपुरी अधिक सूट करे, शायद ज्यादा अच्छी और भाषा में वो शिक्षा को ज्यादा अच्छे से प्राप्त कर सके। इसीलिए स्थानीय क्षेत्रों को ध्यान रखते हुए यह स्थानीय विषयों को राज्य सूची में शामिल किया गया है और वो राज्य सूची जो है वो प्रत्येक राज्य के द्वारा उस पर विधि कानून बनाए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। समवर्ती सूची का तात्पर्य यह है कि इस पर केंद्र और राज्य, कई सारे ऐसे विषय हैं जब जिसमें केंद्र सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसे कानून नहीं बना सकता। हाँ, वो ही चाहता है कि उसमें एक रूपता जरूर रहे, तो इसके लिए वो क्या होता है कि वह राज्यों को भी इसमें विधि बनाने का अधिकार देता है। तो ये समवर्ती सूची की विशेषता है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे जिसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद, संविधान, न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से भिन्न सिविल प्रक्रिया कोई हो, आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, व्यापार, संघ, सामाजिक सुरक्षा विधि, भारतीय जलमार्ग, ये जो चीजें हैं इन पर कहते हैं कि दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इस प्रकार से संवर्ती सूची जो विषय है, हमने कहा कि इसमें 4 विषय राज्य सूची से और एक विषय नया जिसको परिवार नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण कहा गया है, इस प्रकार से मिलाकर के इसमें 52 विषय वर्तमान में है। समवर्ती सूची पर हमने कहा कि केंद्र राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र और राज्य के कानून अगर किसी मामले में विरोधाभासी है,
एक ही विषय पर बने हुए कानून विरोधाभासी है तो संघ या संसद द्वारा बनी हुई जो विधि है वो प्रवर्त रहेगी और राज्य या विधानमंडल द्वारा जो बनी हुई विधि है वो उस मात्रा तक शून्य हो जाती है जिस मात्रा तक वो संघ की विधि का विरोध करती है। तो स्वाभाविक बात है कि कनाडा का जो हमने मॉडल अपनाया था वो यही है कि केंद्र की जो विधि है वो मान्य है, राज्यों की विधि उसकी विरोध की मात्रा तक शून्य कर दी जाती है। फिर है कि जो शक्तियां न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है, न संवर्ध सूची में, ऐसे विषय छूट जाते हैं, ऐसे नए विषय उत्पन्न भी होते हैं, पैदा भी होते हैं, और ऐसे विषय को हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जो नए, जैसे मान लीजिए आईटी है, आज साइबर क्राइम है, ये जो नए विषय, ये नए विषय आए हैं, तो इन विषयों का अगर जन्म हुआ है तो किसी विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों के कारण से हुआ है, और ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में इसके लिए जो व्यवस्था की गई है वो ये है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय विधानमंडल को दी गई है, केवल और केवल उन पर संसद कानून बना सकता है। मैं ये कह रहा था कि कनाडा मॉडल है जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो संघीय शासन के देश है वहां पर अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास रहती है, तो जिसके पास में अवशिष्ट शक्तियां रहती है उसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा मजबूत है, और जिसके पास में आवंटित शक्तियां रहती है उसकी अपेक्षा कम है। इसलिए भारत में केंद्र सरकार जो है वो अधिक मजबूत है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि केंद्र और राज्यों के बीच में हम विषयों का बंटवारा कर रहे हैं और केंद्र और राज्य जो है वो अपने अपने क्षेत्र में विधि निर्माण, कानून, प्रक्रिया, प्रशासनिक व्यवस्था, नियमन, व्यवस्थापन सब करते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न बातों को लेकर कभी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट हो जाता है, कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। और कई बार ऐसी परिस्थितियां भी बन जाती है कि केंद्र को राज्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है या राज्य सूची किसी विषय पर कानून या विधि बनानी पड़ती है। तो इसके लिए एक व्यवस्था संविधान में सबसे पहले व्यवस्था की गई थी, आर्टिकल 249, जो ये कहता है कि राज्य सूची का जो विषय है उसको राष्ट्रीय महत्व का होने पर अगर केंद्रीय विधानमंडल की जो उच्च सदन है राज्य सभा उसको ये लगता है, पहली बात है कि राज्यसभा को ऐसा क्यों लगता और वो किस प्रकार की इसको व्यवस्था दी गई। इसलिए दी गई, इसका नाम राज्यसभा है और उसके जो सांसद है वो राज्यों की विधायिका के निर्वाचित सदस्यों से चुन के आते और इसमें प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व निश्चित है। हमने सीनेट की भांति प्रत्येक राज्य में जो प्रतिनिधित्व उसको सीमित नहीं किया, जैसे मान लीजिए अमेरिका में प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं, हमने व्यवस्था नहीं की बल्कि हमने इसको जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया ताकि प्रत्येक राज्य को लगे कि मेरा जितना क्षेत्रफल है और मेरी जितनी जनसंख्या हो और मेरा जितना प्रभुत्व होना चाहिए संसद में उस प्रकार का प्रतिनिधित्व में मुझे मिला है। तो इस भांति राज्यसभा जो है उस राज्यसभा में जो राज्यों का सभा कहलाती है, राज्यों का सदन कहलाता है, इसमें राज्य के निर्वाचित व्यक्ति अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो राज्यों की बात रखता है। उसको ही अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य सूची में उल्लेखित किसी विषय पर जो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है उसको ऐसा लगता है कि इस पर संसद कानून बनाए तो वो इस प्रकार का प्रस्ताव पारित कर देती है और इस प्रस्ताव के पारित करने पर संसद जो उस पर विधि बना करके 1 साल तक उसको प्रवर्त रख सकती है, लागू रख सकती है। अगर राज्यसभा को वो लगता है कि इसमें इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए तो वो 1 वर्ष के लिए पुनः इसकी अवधि बढ़ा देती है, ऐसे करके उसकी वो अवधि बढ़ाती जाती है। हाँ, जब राज्यसभा इसकी अवधि नहीं बढ़ाती है तो राज्यसभा की जो बढ़ाई गई अवधि समाप्त होती है उसके 6 माह तक जो विधि है वो प्रवर्त रहेगी, उसके बाद भी विधि विलोपित हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि राज्यसभा
संसद को एक विशेष समय अवधि के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की अनुमति देती है और वो समय अवधि बीत जाने की 6 माह बाद वो संसद द्वारा बनाई गई विधि शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वो है कि जब लगे कि साहब राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना बहुत जरूरी है देश के लिए तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। फिर कई बार राज्य इस प्रकार की मांग करते हैं, राज्य सोचते हैं कि साहब हमारे लिए कोई संसद कानून बनाना है, तो दो या दो से अधिक राज्य अगर इस प्रकार की अनुशंसा करते हैं, वो प्रस्ताव पारित करते हैं अपने बहुमत से और संसद को भेजते हैं, तो अनुच्छेद 252 के तहत ये व्यवस्था है कि संसद ऐसे प्रस्तावों पर विचार करके राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है और वो जो बने हुए कानून है उसका प्रभाव ठीक वैसा ही होगा जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया जाता है। और साथ ही अन्य कोई राज्य भी अगर उस विधान को स्वीकृत करना चाहता है तो वो अपने यहाँ पर प्रस्ताव पारित करके बहुमत से उसको स्वीकार कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 252 के तहत बनाई गई विधि जो है वो जो राज्य अपनाते हैं वो उसको संशोधित नहीं कर सकते और उसको समाप्त भी नहीं कर सकते, उसको संशोधित और समाप्त केवल और केवल संसद कर सकते हैं। तो ऐसे मामलों में जब ये बात आती है तो राज्यों को बड़े संभल करके संसद से आग्रह करना चाहिए कि हमें राज्य सूची के इन विषयों पर आपके द्वारा कानून की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया कानून केवल और केवल संसद उसको संशोधित कर सकती है या उसको समाप्त कर सकती है, राज्य जो है वो उसको समाप्त नहीं कर सकते। तीसरा यह है कि जब देश में संकट काल हो, आर्टिकल 352 के तहत जब देश में आपातकाल हो, तो आपातकाल की परिस्थितियों में भारत का जो संघात्मक ढांचा है वो इकाई में बदल जाता है, इकहरी शासन व्यवस्था बदल जाता है और संसद संपूर्ण राज्य के लिए जो है वो कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो संसद है वो जब आपातकाल का दौर चालू हो तो उस आपातकाल के दौर में जो विधि बनाती है वो विधि जो है वो सभी संपूर्ण भारत के लिए बनाई जाती है और उस समय उसको किसी की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती और राज्यों के प्रस्ताव की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन आपातकाल के लिए बनाई हुई आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर बनाई गई जो विधि है वो आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक ही जीवित रहती है, उसके बाद वो शून्य हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 252 के तहत बनाई गई विधि परमानेंट हो जाए, ऐसे प्रकार की विधि जो है वो आपातकाल के दौरान नहीं बन, आपातकाल के दौरान व्यवस्था आपातकाल की। तो इसलिए संघ को इतना अधिकार दिया गया है कि आपातकाल समाप्त उसके 6 माह बाद वो विधि भी समाप्त। फिर आर्टिकल 253 में व्यवस्था की गई है कि अगर भारत सरकार विभिन्न प्रकार के जो विदेशों से संधि और विभिन्न प्रकार के जो समझौते करती है उन समझौतों को लागू करने के लिए कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि उसको राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो तो वह बिना किसी की अनुमति के वो कानून बना सकती है। और उसमें ये कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय प्रभुसत्ता की बात है, भारतीय राज्य की प्रभुसत्ता की बात है, इसलिए वो भारतीय जो संसद है उसको कानून बना करके लागू कर सकती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की व्यवस्था थी, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252, 250, 253 ये व्यवस्था है जिसके तहत संसद जो है या संघ है वो राज्य सूची किसी विषय पर कानून बना सकता है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैंने ये लिख दिया आज क्या कि राज्य की विधायी शक्ति पर संसद का अतिक्रमण, ये होता तो नहीं है और होता भी है, इसको अतिक्रमण तो नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन ये अतिक्रमण है। व्यवस्था यह है कि आर्टिकल 356 के तहत
जब राज्यपाल को या संघ को ये इस बात का भान हो जाए या आभास हो जाए कि राज्य का जो प्रशासनिक तंत्र है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करके राष्ट्र प्रशासन लगाया जाता है। और उस दौरान राज्य की जो विधायी शक्ति है या जो विधानमंडल है वो निलंबित रहता है। जब राज्य का विधानमंडल निलंबित रहता है तो राज्यों के लोगों की आवश्यकताओं के लिए जो केंद्र सरकार है या जो संघ है या जो संसद है वो उस पर विधि बना सकती है। लेकिन वही बात है कि ये आपात व्यवस्था है तो आपातकाल तक ही व्यवस्था रहेगी। जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटा उसके 6 माह के भीतर भी जो बनाई गई विधियां हैं वो सब शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये केंद्र कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां आती है कि केंद्र में सरकार जो है वो अलग दल की है, राज्य में सरकार अलग दल की है, राज्य सरकार के पास में बहुमत नहीं है या राज्य सरकार से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है या कोई अव्यवस्था हो गई है, तो इन आधार पर जो संघ है वो राज्य से उसकी शक्ति छीन करके और उनका उपयोग करते हुए उनके लिए संघ और विधि और कानून का निर्माण कर देता है, तो ये अतिक्रमण कहलाता है। फिर ये जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 304 जो है वो इस प्रकार की व्यवस्था करता है कि कुछ जो प्रस्ताव है, कुछ जो विधेयक है, उनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है या संघ की आवश्यकता होती है अनुमति की, या प्रस्ताव या विधेयक बनने के बाद अनुमति के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए कि उच्च न्यायालय की शक्तियों में परिवर्तन करना है, उसके क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करना है, तो राज्य उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, बल्कि परिवर्तन करना चाहे तो संघ की अनुमति से ऐसे विधेयक बना करके उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर विधानमंडल में अगर ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं जिनमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है तो वो विधेयक बनने के बाद में राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी भेजे जाते हैं। आर्टिकल 200 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल को जब ये लगता है कि इस विषय पर संघ की स्वीकृति की भी आवश्यकता है और साथ ही जो राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता है तो वो विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है या रोक सकता है। तो इस प्रकार से जो राज्य है वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है, नियम विधि बनाता है, लागू करता है, व्यवस्थापन करता है, प्रबंध करता है उन कार्यों का, उन बिजनेस का, बिजनेस ऑफ द स्टेट लिस्ट। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो राज्य है वो केंद्र के समकक्ष नहीं है, या द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इक्वलेंट टू द सेंट्रल और द यूनियन लेजिस्लेचर, एंड द यूनियन लेजिस्लेचर इज मोर इफेक्टिव एंड डोमिनेटिंग इन द लेजिस्लेचर। सो वी कैन कंक्लूड दैट द इंडिया इज ए फेडरल सिस्टम स्टेट। इन स्पाइट ऑफ बींग द फेडरल सिस्टम द सेंटर और द पार्लियामेंट इज मोर इफेक्टिव, मोर इफिशियंट एंड मोर डोमिनेटिंग इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन इन स्पाइट ऑफ द स्टेट असेंबलीज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। थैंक यू वेरी मच।